हेलो एवरीवन, मैं आकाश कुमार टेक डेफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का 12th वीडियो है जो कि फोमिंग पे है। इससे पहले के सारे वीडियोस आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और इनके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको सर्च करना होगा TECHDAFFY। ठीक है, TECHDAFFY सर्च कर आपको सारे पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल होंगे। इससे पहले के भी जितने वीडियोस हैं सभी के पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप वहां से सारे को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फोर हाई रोलिंग मिल द बिगर रोलर आर कॉल्ड। फोर हाई रोलिंग मिल में जो बिगर रोलर होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका जाकर बैकअप रोलर। इनका जरूरत क्यों होता है? जैसे जब रोलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं हम लोग, तो हो सकता है कि वो जो उसमें हाई आपको जाकर स्ट्रेस लगाना पड़ता है, जो कि हाई प्रेशर लगाना पड़ता है, तो उन प्रेशर को लगाते समय में भी वो जो सामने वाले दो रोलर होंगे वो रोलर उतने ज़्यादा मतलब उसको उतना प्रेशर ना लगा पाए, इसीलिए दूसरे साइड से दो बैकअप रोलर लगा हुआ रहता है जो कि हेल्पफुल रहता है उससे वो प्रेशर को कॉन्स्टेंटली बनाकर रखने के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अ पॉलिश्ड एंड ईज्ड सरफेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हॉट वर्किंग प्रोडक्ट विल बी हैविंग। जो पॉलिश्ड और ईज्ड सरफेस होता है क्रॉस सेक्शन का ऑफ अ हॉट वर्किंग प्रोडक्ट में, वो कैसा होता है? तो वो होता है आपके जाकर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बाद है, द मशीनरी इक्विपमेंट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ आई सेक्शन रेल सेक्शन एंगल ETC आर कॉल्ड। जो मशीनरी इक्विपमेंट होता है जैसे कि जिसका प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्शन होगा आई सेक्शन रेल सेक्शन या एंगल, ये सब कौन से प्रोसेस से होता है? तो ये सब आपका रोलिंग मिल से होता है। ठीक है, रोलिंग मिल से होगा। आई सेक्शन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बोला जाता है, इसका ये सेक्शन जो है रेलवे लाइन में भी यूज होता है। फिर इसके बाद है, लार्ज साइज बोल्ट हेड आर मेड बाय। लार्ज साइज जो बोल्ट हेड होता है वो किससे बना हुआ रहता है? तो वो बना होता है अपसेट फोर्जिंग से। किससे बना होता है? अपसेट फोर्जिंग से बना होता है। फिर है, सिमेट्रिकल हॉलो पार्ट ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आर मेड बाय। सिमेट्रिकल हॉलो पार्ट जो है ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है आपका जाकर पिरिचिंग ऑपरेशन से। किससे बना होगा? पिरिचिंग ऑपरेशन से। ठीक है, फिर है, द पायलट इन द पंच होल्डर असेंबली इज प्रेस वर्किंग ऑपरेशन आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। पायलट जो होता है पंच होल्डर में असेंबली में इस प्रेस वर्किंग ऑपरेशन आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू, क्यों प्रोवाइड किया जाता है? टू इंश्योर प्रॉपर लोकेशन ऑफ द ब्लैंक, टू इंश्योर प्रॉपर लोकेशन ऑफ द ब्लैंक के लिए। फिर है, द कोलैप्सिबल टूथपेस्ट ट्यूब्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। जो कोलैप्सिबल टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है वो कौन से प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है? तो वो मैन्युफैक्चर होता है आपका जाकर इम्पैक्ट एक्सट्रूशन से। इम्पैक्ट एक्सट्रूशन से कोलैप्सिबल टूथपेस्ट ट्यूब को मैन्युफैक्चर किया जाता है। फिर है, टम्बलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। टम्बलिंग किसका प्रोसेस है? तो टम्बलिंग जो है वो आपका जाकर क्लीनिंग द सर्फेस ऑफ स्मॉल पार्ट, मतलब टम्बलिंग प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं? क्लीनिंग करते हैं सर्फेस ऑफ स्मॉल पार्ट्स को। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल्स। कौन सा प्रोसेस से हम लोग दो मेटल्स को ज्वाइनिंग करने का काम करते हैं? तो वो हो जाता है आपका जाकर स्वैगिंग। ठीक है ना, स्वैगिंग की मदद से हम दो मेटल को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, फिर है, द सीमलेस ट्यूब इज मास प्रोडक्शन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। सीमलेस ट्यूब जो होगा मास प्रोडक्शन के लिए वो कौन से प्रोसेस से हम लोग करते हैं? तो वो हम लोग करते हैं आपका जाकर एक्सट्रूशन से। इन सभी क्वेश्चंस में कुछ एक्सप्लेनेशन करने लायक नहीं था, इसी कारण मैं इसे पढ़ते जा रहा हूँ। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और अपने नंबर मार्क्स जरूर कमेंट करें नीचे। फिर है, स्ट्रेच फॉर्मिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। स्ट्रेच फॉर्मिंग किसका प्रोसेस होता है? तो ये हो जाता है आपका जाकर कोल्ड ड्रॉइंग का प्रोसेस। स्ट्रेच फॉर्मिंग किसका प्रोसेस है? कोल्ड ड्रॉइंग का प्रोसेस है। फिर है, फ्लेंज व्रिंकल इज अ डिफेक्ट फाउंड इन। फ्रेंच व्रिंकल जो है वो डिफेक्ट कहाँ पर मिलता है? तो ये आपका डीप ड्रॉइंग में मिलता है। अब फ्रेंच व्रिंकल होता क्या है? तो देखिए, ये जब हम लोग कोई एक डीप ड्रॉइंग करते हैं, मतलब एक फ्लैट शीट को लेकर उसको प्रेस किए और इस तरह का अगर शेप बनाते हैं, तो ये देखिए इस तरह का जो आपका जाकर कर्व का जो शेप आ जा रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग फ्लेंज व्रिंकल। ये एक डिफेक्ट है, हम लोग ऐसा नहीं चाहते बट ऐसा हो जाता है। तो फिर उसको क्या करते हैं हम लोग? हैमरिंग करके अच्छे से ये इस तरह के पोर्शन को हटाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है,
अ लेजर इज प्रोड्यूस बाय, तो लेजर को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये रूबी से, रूबी जो आपका जो मटेरियल होता है उसके हेल्प से हम लोग लेजर को प्रोड्यूस करते हैं। फिर है इंजेक्शन मोल्डिंग इज द आइडियल मेथड ऑफ प्रोसेसिंग इंडक्शन, मतलब इंजेक्शन मोल्डिंग जो है वो आइडियल प्रोसेस मेथड है ऑफ प्रोसेसिंग, किसके प्रोसेसिंग के लिए, तो ये हो जाता है आपका जाकर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इंजेक्शन मोल्डिंग के मदद से ही हम लोग कुछ भी, जैसे अगर बॉटल वगैरह जो भी बनता है वो प्लास्टिक मटेरियल्स का जो बॉटल बनता है ऑलो वाला, वो सब किससे प्रोसेस से बनता है, इंजेक्शन मोल्डिंग से ही बनता है। ठीक है, फिर है कंप्रेशन मोल्डिंग इज एन आइडियल मेथड ऑफ प्रोसेसिंग, वही बात है इंजेक्शन मोल्डिंग और कंप्रेशन मोल्डिंग ये दोनों ही आइडियल मेथड है किसके प्रोसेसिंग के लिए, तो ये थर्मोप्लास्टिक के लिए। ठीक है ना, वो इंजेक्शन मोल्डिंग किसके लिए था, तो आपका जाकर आपका थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के लिए था, और आपका कंप्रेशन मोल्डिंग जो मेथड है वो किसके लिए है, तो थर्मोप्लास्टिक के लिए होता है। ठीक है, अब चलिए थर्मो सेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के कुछ डिफरेंस को जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो सॉफ्ट होता है, अगर हीट कर देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन वही अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो वो हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होता है। ठीक है ना, ये लॉन्ग चेन लाइनर होता है, मतलब इसमें बहुत लंबा चेन बनता है और ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब अगर इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो उसके बारे में बोल रहा है। फिर अगर उसमें अगर हम लोग मतलब कि अगर ये जो है ना आप उसको अगर हीट करेंगे और रीशेप कर सकते हैं किसको, थर्मोप्लास्टिक को, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप रीशेप नहीं कर सकते, एक बार जो बन गया सो बन गया। सॉफ्ट वीक और लेस ब्रिटल होता है, ये थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो सॉफ्ट वीक और लेस ब्रिटल होता है, और वहीं पर देखें तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो हार्ड होता है और स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, अगर सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये सॉलिबल, मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है, मतलब ये थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो सॉल्युबल होता है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और वहीं पर आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक आपका जाकर सॉल्वेंट में। ठीक है, और रिक्लेम्ड फॉर वेस्ट और कैन नॉट बी रिक्लेम्ड, मतलब अगर इसका जो वेस्ट है, मतलब थर्मो प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसको दोबारा से यूज में लाया जा सकता है, इसलिए उसके वेस्ट को यूजफुल फॉर्म में लिया जाता है, लेकिन आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है उसके वेस्ट को हम लोग दोबारा से कुछ काम में नहीं ला सकते, इसलिए उसका वेस्ट यूजलेस ही हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, अब देखिए क्या बोला, अ टर्न प्रेस इंप्लाइज डैट, मतलब अ टर्न प्रेस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो आपका जाकर मैक्सिमम जो लोड लगेगा, इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम प्रेशर अप टू 20 टन्स, मतलब अ टर्न प्रेस का मतलब एक 20 टन का अगर कोई प्रेस बोला जा रहा है तो वो मैक्सिमम कितना प्रेशर लगा सकता है, 20 टन का ही प्रेशर लगा सकता है। ठीक है, बस यही कहने का मतलब है। फिर द फटीक स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स इज इम्प्रूव्ड बाय सेटिंग अप कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द सर्फेस बाय द प्रोसेस नोन एज, फटीक स्ट्रेंथ जो है किसी भी मटेरियल से रिमूव करने के लिए हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस उसके सरफेस पे लगाते हैं, उस सरफेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को, तो उसे कहते हैं शॉर्ट पिनिंग। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे शॉर्ट, छोटे छोटे बॉल से हम लोग कंटिन्यूअस उस पे शॉर्ट लगाते रहते हैं, उस मेटल पे लगाते हैं ताकि उसके अंदर से फटीक स्ट्रेस रिमूव हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद है इन ड्रॉइंग ऑपरेशन द मेटल फ्लोज ड्यू टू, ड्रॉइंग ऑपरेशन में जो मेटल फ्लो करता है वो किसके कारण करता है, तो वो प्लास्टिसिटी के कारण करता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था इन सभी के डेफिनेशन, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप एक बार प्लीज वहां जाकर विजिट करें। ठीक है, डक्टिलिटी, वर्क हार्डनिंग, प्लास्टिसिटी, शेयरिंग और यल्डिंग के बारे में। ठीक है, उसके बाद है अ लॉन्ग वायर आर मेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, लॉन्ग वायर जो होता है वो किस प्रोसेस से बनता है, तो वो भी आपका ड्रॉइंग प्रोसेस से बन जाएगा। फिर है Which of the following is different from rest? इनमें से कौन सा अलग है सभी से, तो वो हो जाता है आपका जाकर पंचिंग। पंचिंग जो है वो आपका अलग हो जाता है, रिविटिंग, एम्बॉसिंग, कॉइनिंग और फ्लैटरिंग जो है वो एक तरह का प्रॉपर्टी है। इसके बाद है एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस्ड फास्टर बाय, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड जो है वो हम लोग उसको ज़्यादा तेजी से मतलब किस प्रोसेस से बना सकते हैं, तो वो हम बना सकते हैं रोलिंग से। फिर द पर्पस ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर, तो जिग्स एंड फिक्सचर का पर्पस क्या होता है, तो ये आपका जाकर सभी हो जाएगा, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, टू इंक्रीज मशीनिंग एक्यूरेसी, फैसिलिएट इंटरचेंजेबिलिटी, चेंजेबल मैन्युफैक्चरर,
फिर उसके बाद इनेबल इम्प्लॉयज लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स, मतलब कम स्किल ऑपरेटर भी काम कर सके, इसी कारण से हम लोग जिग एंड फिक्सर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है गियर शेपिंग इज रिलेटेड टू, गियर शेपिंग किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका जाकर हॉबिंग प्रोसेस से, ठीक है ना, गियर शेपिंग इज रिलेटेड टू हॉबिंग प्रोसेस। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोड्यूसेस गियर बाय जनरेटिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा मेथड से, मतलब इनमें से कौन सा मेथड से हम लोग जो है वो आपका जाकर गियर प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय जनरेटिंग प्रोसेस, कौन सा, तो जाएगा आपका जाकर हॉबिंग, हॉबिंग प्रोसेस से हम लोग गियर आसानी से जनरेट कर सकते हैं और ये मास प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है। तो फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गियर फिनिशिंग ऑपरेशन, और इनमें से कौन सा गियर फिनिशिंग ऑपरेशन है, तो वो जाता है आपका जाकर शेविंग एंड बर्निशिंग, शेविंग और बर्निशिंग जो है वो एक गियर फिनिशिंग ऑपरेशन है। तो थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।